उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक बहुत ही सुंदर एवं शांत सुबह। इन साफ सुथरी सड़कों से होते हुए हम निकल पड़े हैं आज के सफर पर। आज हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क, जो मसूरी में है। देहरादून से इसकी दूरी मात्र 36 किलोमीटर की है। देहरादून मसूरी रोड पर देहरादून रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर कोठाल गेट के पास यह प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो प्रकाशेश्वर महादेव के नाम से लोकप्रिय है। देहरादून मसूरी हाईवे पर आगे बढ़ते हुए दून घाटी के सुंदर नजारे। मसूरी की यह प्रसिद्ध घुमावदार सड़क और सड़क किनारे पर यह मैगी पॉइंट और कैफे। मसूरी से चंद किलोमीटर पहले हम हाईवे को छोड़ निकल पड़े हैं जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क की ओर जाती हुई सड़क पर। बहुत ही सुंदर पहाड़ी और अद्भुत नजारे। इन खूबसूरत एवं घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क की कार पार्किंग पर। जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क की पैदल दूरी तय करने से पहले हम लोगों ने लंच करना उचित समझा। जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क के एंट्री गेट के साथ ही टिकट काउंटर भी है। टिकट काउंटर पर काफी भीड़ थी, इसीलिए हमें कुछ वक्त तक इंतजार करना पड़ा। एंट्री फीस पर पर्सन 200 रुपए है। 6 साल के कम आय के बच्चों के लिए एंट्री फीस 100 रुपए है। यहाँ से पैदल रास्ता, अगर आप अगले 1 किलोमीटर तक अपनी कार लेकर जाना चाहते हैं तो उसकी फीस 1000 रुपए है। जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क के एंट्री गेट से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की दूरी 1 किलोमीटर है। अधिकतर लोग इस दूरी को पैदल ही तय करते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर है जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट। यह मसूरी की सबसे ऊंची जगह है, जहां से मसूरी की पहाड़ियां और सुंदर दून घाटी की वादियां दिखाई देती हैं। यह जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है। सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि भारत के सर्वेयर जनरल रहे 1830 से 1843 तक, यह उनका घर एवं कार्यशाला थी, जहां वे तकरीबन 1 दशक तक रहे। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने इन्हीं महान सर्वेयर के नाम पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से एक तरफ दिखाई देती है उच्च हिमालयी चोटियां और दूसरी तरफ दिखाई देता है दून घाटी का मनोरम दृश्य। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से इस पगडंडी से आगे बढ़ते हुए सामने ऊंची चोटी पर नजर आ रहा है जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट। ये
पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए नीचे ढलान की ओर दिखाई देता है दून घाटी का मनोरम दृश्य। नजर जब घूमकर दूसरी ओर जाती है तो दिखाई देती है ऊंची चोटियां और ऊंची चोटी के ऊपर एवरेस्ट पॉइंट। पहाड़ी पगडंडी पर चढ़ने से उत्पन्न थकान कभी निराश करती है, कभी सांस फूलने का एहसास होता है, तो कभी गप्पे सप्पे मारते हुए प्रकृति के इन नजारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। वो जॉर्जी था जो वहाँ पे डंडा लेके मेरा हाथ पकड़ दिया जॉर्जी, तो नीचे बस। सामने खड़ी पहाड़ी पर कैची नुमा पगडंडी को देखकर मन उदास हो उठता है, पर सफर को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए मन में जोश की उम्माद भरे हम निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। मित्रों के साथ गप्पे सप्पे मारते हुए और हंसी मजाक करते हुए हम बढ़ते रहे इन पगडंडियों पर। हमारे कुछ साथी उस कैची नुमा पगडंडी को पार कर चुके हैं और हमें जल्दी जल्दी आने को प्रेरित कर रहे हैं। काफी लंबा सफर तय किया हमने, यह छोटा सा अंतिम सा फासला रह गया है अब गंतव्य तक का। आखिर अब हम पहुंच ही गए हैं एवरेस्ट पॉइंट पर। यह शांत वातावरण और चारों तरफ के सुंदर नजारों का आनंद लेने के बाद अब हम भी चढ़ते हैं सबसे ऊंचे पॉइंट पर। हम भी जानने को उत्सुक हैं कि आखिर क्या है इस ऊंचे टीले के ऊपर। बहुत ही मनमोहक नजारे नजर आ रहे हैं यहाँ से। यहाँ शांत बैठकर ऊंची पहाड़ियों और देहरादून घाटी के आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य देखकर मन बहुत उत्सुक होता है। सच में इस एवरेस्ट पॉइंट की तारीफ में जो भी सुना था सच ही सुना था। इस आकर्षक जगह पर काफी समय व्यतीत करने के बाद अब हम लौटते हैं घर की ओर। जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट की अविस्मरणीय यादों को लेकर अब हम निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और
मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। जय बद्री विशाल दोस्तों। बदलो के उड़ के।